हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स सेकेंड बुक, चैप्टर 7, इंटीग्रल्स। सो यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी एक डेफिनेशन जो कि आपको फॉलो करनी है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, राइट? सो आपके पास फंक्शन है fx, ये आपका फंक्शन है, ये है सिंबॉलिकली साइन इंटीग्रल का, एंड साथ में आपके पास वैल्यू क्या लगी हुई है, dx। तो यहाँ पे इसका मतलब है इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, आपके पास एक न्यू वैल्यू आएगी इन द फॉर्म ऑफ न्यू फंक्शन, एंड जब भी वो वैल्यू आ जाएगी तो आपको ऐड क्या कर रहे हैं, प्लस c, वेयर c इज द कॉन्स्टेंट। तो बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है जो कि आपको फॉलो करनी है। सो आपके पास फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको लर्न करने हैं, जो कि आपको लर्न होने चाहिए एक्सरसाइज या सॉल्व एग्जांपल्स परफॉर्म करने से पहले। तो ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूलाज अगर नहीं आते होंगे तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको एक्सरसाइज या फिर सॉल्व एग्जांपल्स परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम या इशू नहीं आएगा, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे आपको छोटी सी डेफिनेशन बता दी है कि इंटीग्रल्स को हम किस तरह से लिखते हैं। कोई भी फंक्शन होगा उसके आगे आपको ये साइन लगाना है जो कि इंटीग्रल को डिफाइन करेगा, ठीक है? साथ में dx, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम फंक्शन का, और फंक्शन का किस विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है? सो जैसे हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का, सपोज मैंने फंक्शन का नेम ले लिया है cos x और मुझे उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो आप ध्यान से देखो वहाँ पर वैल्यू क्या आती है, नीचे dx की, यहाँ पर आपके पास साथ में आ रही है, और यहाँ पे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास वैल्यू क्या आई। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आई है इस तरह से, आपको कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड नहीं करनी होती है, लेकिन आपको जब इंटीग्रेशन करना है लेकिन आपको साथ में वैल्यू क्या करनी होती है, ऐड। सो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेने से पहले मैं इतना बता दूँ, ये जो आपका इंटीग्रेशन होता है ये एक इनवर्स प्रोसेस होता है, किसका, डिफ्रेंसिएशन का। और वो क्यों होता है, एक इनवर्स प्रोसेस क्यों कहते हैं हम डिफ्रेंसिएशन का, वो अभी आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब है डिफ्रेंसिएशन जब हम सॉल्व करते हैं, आपको एक फंक्शन गिवन होता है, ये एक फंक्शन गिवन है, आपको बोला गया है इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, आप क्या करते हो, डी बाई डी एक्स करा इसका फंक्शन का, और आपके पास एक न्यू फंक्शन आ जाता है। अब आपको इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, आपके पास ये वैल्यू गिवन होती है, इसका इंटीग्रेशन करते ही आपके पास वापस से वैल्यू क्या आ जाती है, जिस फंक्शन का आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे। तो इस वैल्यू को आप जब इंटीग्रेट करोगे, तो आपके पास वापस से क्या आ जाएगा, वही फंक्शन। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, एक न्यू फंक्शन आया, अब इसी फंक्शन को अब इंटीग्रेट करोगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आपके पास न्यू फंक्शन आया, अब इसी फंक्शन को वापस लाने के लिए, ये फंक्शन अगर आपको वापस देखना है तो वापस देखने के लिए आपको बस एक ही स्टेप करना है, दैट मीन्स इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते ही आपके पास वो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन प्लस सी साथ में होगा। अब यहाँ पे प्लस सी की कहानी भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सपोज करो मैंने इन जनरल आपके लिए ले लिया है फंक्शन साइन एक्स, अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, कॉस एक्स। तो यही अगर मैं वापस से कॉस एक्स, ये जो मेरे पास न्यू फंक्शन आ चुका है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ तो वापस से मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, साइन एक्स प्लस सी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप जो भी फंक्शन आपकी वैल्यू आएगी साथ में करना होता है कांस्टेंट वैल्यू ऐड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम c ऐड क्यों करते हैं, अगर आप इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको एग्जैक्टली यही वैल्यू मिलने वाली है। सो दैट मीन्स c आप एक तरह से कह सकते हो एक बैलेंसिंग वे है, अगर आप डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन आ रहे हो या वापस से अगर आपको इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन वाले फंक्शन पर जाना है, तो देखो मैं अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करने जा रही हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म,
दैट मीन्स साइन एक्स प्लस सी। तो जैसे मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन होता है कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का, दैट मीन्स जीरो। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, कॉस एक्स, वही वैल्यू आई। तो आपने क्या देखा, जब आपने सिंपली साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, आपके पास एक फंक्शन आई दैट मीन्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास यही वैल्यू आपको वापस दिख रही है। तो ये वैल्यू एग्जैक्टली वही है, बस आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन डेफिनेशन वो क्या कहता है कि फंक्शन के साथ आपको क्या लगाना है, कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो अगर आप इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करके देखते भी हो तो आपके पास वही कॉस एक्स की वैल्यू वापस आ रही है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर हम सी को ऐड क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट टू बैलेंस, एक आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की, जो कि आपको रूल फॉलो ही करना है अकॉर्डिंग टू योर बुक, राइट। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं, जब भी सॉल्व करते हैं जो भी आपके पास वैल्यू आती है साथ में हम क्या करते हैं, सी ऐड। इंटीग्रल्स की टू टाइप्स की नेचर होती है, दैट मीन्स अगर आप इंटीग्रल्स की बात करें तो आपके पास टू नेचर्स के होते हैं। एक होते हैं इनडेफिनेट और एक होते हैं डेफिनेट। मतलब इनडेफिनेट का मतलब ये जो आपके पास वैल्यू लिखी है ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, मतलब इनकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ, आपको आगे जाके मैं बताऊंगी वैल्यू किस तरह से डिफाइन होती है किस तरह से नहीं होती है, लेकिन अगर अभी मैं आपको डिटेल में इतना बता दूंगी डीपली तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सो यहाँ पे इस टॉपिक को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि आफ्टर एक्सरसाइज 7.7 एक्सरसाइज के बाद आपके स्टार्ट होंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो वो कैसे सॉल्व होते हैं वो भी हम बताएंगे। लेकिन अभी आपके जो 7.7 एक्सरसाइज तक हैं वो सारी कहानी क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर। तो ये जो मैंने आपको बताया वो भी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स ही है। तो ये जो प्रॉपर डेफिनेशन बताई है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की है। इंटीग्रल्स को आप एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हो, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। इंटीग्रल्स को आप एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हो। सो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सिंपली अगर आप एक फंक्शन उठाते हो साइन एक्स, उसका डिफ्रेंसिएशन करते हो, आपको एक नया फंक्शन मिलता है लाइक दिस। इंटीग्रेशन में क्या है, अगर आप इस वैल्यू को इंटीग्रेट करते हो तो आपको रिवर्स करके वापस से वही वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। सो इट्स इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, नथिंग एल्स। सो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको फॉर्मूलाज एक बार बता देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूलाज जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आप कन्फ्यूज रहोगे। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता ही साइन एक्स है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आपको जितने फॉर्मूलाज अगर आप ध्यान से लर्न कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लिए हैं, आप भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। एंड अगर जिन स्टूडेंट्स को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग द वीडियो नोट डाउन करने में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ का, वहाँ से आप क्लिक करके पीडीएफ फाइल जो आपको मिलेगी उसमें आपके पास एग्जैक्टली जो मैंने आपको वीडियो में बताया है वही नोट्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से फॉर्मूलाज भी नोट कर सकते हैं, ये बुक में भी आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज को एक बार ध्यान से देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर्मूलाज का। एक्स की पावर एन, तो मतलब यहाँ पर आपके पास x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको साथ में हमेशा dx ज़रूर लिखना है और ये बाहर जो है साइन ज़रूर लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद आपको प्लस c भी लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, x की जो भी पावर होगी कोई भी हो सकती है, यहाँ पर n लिखा हुआ है इन जनरल, तो उसमें प्लस 1 ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली यही वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, नीचे, ठीक है। सो यहाँ पर 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आपके पास सिंपली आप एक कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेट कर रहे हो तो सिंपली वहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, x। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, राइट। सो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे 1 था कांस्टेंट, तो वो मैंने लिख दिया। अगर यहाँ पे हो सकता है ना 10 हो सकता था कांस्टेंट यहाँ पर, तो आप वो वैल्यू बाहर लिख सकते हो, ठीक है। सो मतलब आपके पास जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब यहाँ पर क्या है, अल्टीमेटली 1 ही तो है dx के साथ, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, x। इसी तरह से जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप लर्न कर लेना,
एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन, वहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल ही आता है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल आपके पास वही वैल्यू रहती है। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स, और यहाँ पर ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ये। तो आई होप आपको फॉर्मूलाज अगर अच्छे से लर्न है, लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट जो कि आपको पता होने चाहिए। सो अब बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट एक्सरसाइज या फिर सॉल्व एग्जांपल्स को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता है तो आप बहुत सारे मिस्टेक्स कर सकते हो। जब हम कोई भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको क्या करना होता है, फंक्शन को सॉल्व तो करना ही होता है, लेकिन साथ में चेन रूल अप्लाई भी करते हो आप, राइट। सो यहाँ पर देखो कॉस थ्राइस ऑफ एक्स है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन सबको पता है माइनस साइन, एंगल जो भी है साथ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चेन रूल अप्लाई होगा तो मतलब इस वैल्यू का भी डिफ्रेंसिएशन होगा। तो जब 3x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो 3x का डिफ्रेंसिएशन होता है 3, सो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है एग्जैक्टली माइनस 3 साइन 3x। तो ये तो हो गया चेन रूल, ये होगी डिफ्रेंसिएशन की बात, ये सबको पता है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में चेन रूल तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट प्रोसेस जो है आपको फॉलो करना है वो आप यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। आपके पास यहाँ पे क्या है कॉस, और यहाँ पर वेरिएबल है आपका एक्स, और वेरिएबल के साथ वैल्यू क्या है एग्जैक्टली 3, ठीक है। सबसे पहली बात, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, तो ये वैल्यू होती है आपकी कॉस एक्स के इंटीग्रेशन की। तो कहने का मतलब है अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है और इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू है तो वो क्या है 1, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर मैंने अगर नहीं लिखी है तो आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि 1 को आप लिखें चाहे ना लिखें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो वर्किंग मैकेनिज्म चल रहा है वो आपको नहीं दिखता है अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर ना लिखती, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ, जो भी आपका वेरिएबल होता है वो उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इंटीग्रेशन में क्या होती है, वो नीचे आ जाती है। तो जैसे अगर यहाँ पे एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है मतलब 1 है, तो ये जो 1 कांस्टेंट वैल्यू है वो अल्टीमेटली यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो आपको सिंपली साइन एक्स प्लस सी दिख रहा है, ठीक है। अब बात आ रही है यहाँ पे थ्राइस ऑफ एक्स की, यहाँ पे सिंपल एक्स नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात, कॉस का इंटीग्रेशन करूँगी मैं, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है साइन, तो मैंने लिख दिया साइन, और जो भी आपके पास पूरा एंगल था वो भी लिख दिया और प्लस सी भी लगा दिया। लेकिन अब मुझे इतना पता है कि यहाँ पे x वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कहाँ आती है, नीचे। तो ये बात मुझे पता थी तो मैंने ऐसे फॉलो करा, अगर ये बात आपको नहीं पता होती तो आप नहीं लिखते और आपको ये वैल्यू एग्जैक्टली जो cos 3x की आनी चाहिए आफ्टर इंटीग्रेशन वो आपको वैल्यू नहीं मिल पाती और आपका आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा अगर आप इस तरह से मिस्टेक्स करेंगे, राइट। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके मिस्टेक्स ना हो, तो इसलिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट्स पहले ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने इसका इंटीग्रेशन तो नहीं किया है, जैसे वहाँ पर मैंने इस पूरी वैल्यू का, इस पूरे एंगल का वहाँ पर क्या किया था डिफ्रेंसिएशन, इस 3x का पूरे का डिफ्रेंसिएशन किया तो मेरे को वैल्यू मिली 3, जो कि मैंने यहाँ पे चिपका दी, जो कि जैसे हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर भी चेन रूल फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम चेन रूल फॉलो कर रहे होते तो कैसा होता, तो मतलब कॉस का इंटीग्रेशन तो होता साइन, वो हम लिख देते, एंगल जो भी आना था लिख देते, प्लस सी भी लिख देते। तो अगर चेन रूल अप्लाई कर रहे होते तो हम 3x का भी इंटीग्रेशन करते, जैसे हमने 3x का डिफ्रेंसिएशन किया वहाँ पर, तो यहाँ पे मैं 3x का इंटीग्रेशन भी तो कर सकती थी, और वो क्या होता 3x का इंटीग्रेशन आपको पता है, दैट मीन्स अगर आपके पास ये वैल्यू है 3 तो 3 आ जाता है बाहर और आपके पास वैल्यू रह जाती x, मतलब अल्टीमेटली आपको किसका इंटीग्रेशन करना होता x का, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है मतलब इसकी जो भी पावर होती है उसमें प्लस 1 हो जाता है और वही वैल्यू आपकी नीचे आ जाती है। तो ये होता है इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को हम जैसे ट्रीट कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन करते हुए दिख रहा है जो कि वैल्यू आ रही है कुछ इस तरह से, तो क्या ये वैल्यू मैंने कहीं यहाँ पर लिखी है, नो। जब मैंने ये वैल्यू यहाँ पर लिखी ही नहीं है तो इसका मतलब
यही है कि हम यहाँ पे चेन रूल इंटीग्रेशन का कोई अप्लाई ही नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा रूल ही नहीं होता है। ठीक है, सिंपली बस एक ही रूल है, आपको इतना देखना है कि यहाँ पर आप सिंपली जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर जो भी आपके पास एंगल में वेरिएबल है एक्स के साथ, उसको आपको नीचे लेकर आना है सिंपली कॉन्स्टेंट वैल्यू को, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ कॉस 7x। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। जो भी वैल्यू थी 7x वो एज इट इज आ जाएगी। अब इस वैल्यू के साथ जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है बस सिंपली वो नीचे आ जाएगी। सिंपली बस मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी छोटी छोटी, जो कि मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज या फिर सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 7.1 में ही बता दूंगी। सो ये जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसी में आपका जो बेस होगा बनेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस आपको बनाना है। राइट, फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी आएंगी फॉर्मूलाज जब तक आपको लर्न नहीं होंगे आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। राइट, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, फॉर्मूलाज ही तो अप्लाई कर रही हूँ, एंड जो बेसिक स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व एग्जाम्पल्स देखते हैं, ऑल्सो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 भी देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।